हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। तो देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। हिंदी में देखिए, समरूप आवेशित ठोस अचालक घोल के कारण विद्युत क्षेत्र। अब देखिए स्टूडेंट, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, देखिए सॉलिड का मतलब तो आप समझ रहे हो कि वो कम्प्लीटली क्या होगा, फील्ड होगा, हार्ड होगा, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग को हम इंसुलेटर भी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए हमने क्या किया, एक स्फीयर लिया, समझते इसको, ये स्फीयर है और ये नॉन कंडक्टिंग है। इसका मतलब चार्ज इसकी सरफेस पे नहीं होगा स्टूडेंट, जो आवेश होंगे वो इसकी सतह पे नहीं होंगे, कहाँ होंगे, इसके अंदर होंगे। तो ये लीजिए आवेश, चार्ज अंदर ले लिया। अब स्टूडेंट समझ लीजिए, ये इसका सेंटर है और ये इसकी क्या है, रेडियस है आर, मतलब कैपिटल आर रेडियस का मैंने क्या लिया, स्फीयर लिया है, जिसके अंदर मान लीजिए क्यू चार्ज है। क्या है, चार्ज कितना है, क्यू, टोटल चार्ज क्यों ले लिया मैंने, यानी कुल आवेश कितना ले लिया, क्यों, स्मॉल क्यू। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या है, चार्ज है, तो इस चार्ज के कारण ऑब्वियस है इसका इफेक्ट बाहर भी रहेगा, यहाँ सरफेस पे भी रहेगा और अंदर पे भी रहेगा, और तीनों जगह हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी है। कहाँ कहाँ पे देख लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर मुझे निकालना, तो यहाँ पर भी मिलेगा कुछ ना कुछ, सरफेस भी मिलेगा और अंदर भी। तो वही तीन कंडीशन है, तीन जगह पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे बाहर। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट आउटसाइड ऑफ स्फीयर, यानी कि गोले से बाहर विद्युत क्षेत्र। अब स्टूडेंट गोले से बाहर मान लीजिए, इसके लिए हमने P पॉइंट यहाँ पे कंसीडर कर लिया और ये P पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए स्मॉल आर है, कहाँ से, सेंटर से लिए स्मॉल आर, ध्यान रखिए स्टूडेंट। अब देखिए, तो ये डिस्टेंस स्मॉल आर इस जगह पे कैपिटल आर से बड़ी होगी, तो यानी कि स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक है, ये कंडीशन पहली हो गई आपकी। अब देखिए, पहली हमारे को सबसे पहले क्या करना होता है, जब भी ग्राउस की हेल्प से हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो हमारे को सबसे पहले करना होता है स्टूडेंट्स गाउसियन सरफेस। तो देखिए हम अज्यूम कर रहे हैं स्मॉल आर रेडियस की स्फेरिकल गाउसियन सरफेस, ये लीजिए वही सेम पिछली वाली स्टेप उसी तरह से करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इस पी पॉइंट पर देखिए, जो इसके अंदर जो चार्ज है वो एज ए पॉइंट चार्ज की तरह काम करेंगे इस स्फीयर के लिए या इस पॉइंट के लिए, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा आपका, ठीक है स्टूडेंट। तो दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए। चलिए आते हैं अगली, बाय गाउस इक्वेशन। और गाउस इक्वेशन क्या कहती है हमारी, देखिए ई डी एस या डी एस किसी के यहां ए लिया, तो डी ए कॉस थीटा इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे गाउस की एप्लीकेशन थी, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, डी ए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना हो गया आपका स्टूडेंट, जीरो, इनके बीच में एंगल कितना, जीरो। जब एंगल जीरो हो गया तो आपका ऑब्वियस है ई डी ए कॉस जीरो, और कॉस जीरो का मान आपको पता ही है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, कॉस जीरो का मान कितना होता है, वन, तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई डी ए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आगे देखिए, यहां से e को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए और ये q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पे डी ए का क्या हो जाएगा, इस कंप्लीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a और q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी जो एरिया है ये किसका है, इस स्फीयर का, और स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट्स को आगे देखेंगे तो देखिए क्या हो गया, अब E Q अपॉन, देखिए 4 पाई आर स्क्वायर को नीचे ला रहा हूं, तो 4 पाई एप्सिलॉन और ये आर स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन हो गया K, तो E इज इक्वल टू बन गया आपका K Q अपॉन आर स्क्वायर। ये कहां है, स्फीयर से आउटसाइड पर, ध्यान रखिए स्टूडेंट, ये आपका है स्फीयर से आउटसाइड पर, ठीक है, ये आपका फर्स्ट
इसका पहले पहला कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर या इंसुलेटिंग स्फीयर, एक ही बात है। तो दोनों के लिए पहली कंडीशन में हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी मिल गई, कहां पर मिली है, इस स्फीयर के, देखिए ये वाला स्फीयर है, इससे बाहर इस पी पॉइंट पर, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने बाहर एक पॉइंट लिया और उस पी पॉइंट पर हमने क्या किया, गाउसियन सरफेस अज्यूम किए, बस फिर उसके बाद अपने वो एप्लीकेशन यूज किए गाउस की और यह अपना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं और नेक्स्ट पॉइंट आउट करेंगे हम सरफेस पर। तो देखिए सरफेस पे वही प्रीवियस की तरह करेंगे, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं होगा, रब कर रहा हूं, आप नोट करते जाइए इसको। देखिए सरफेस के लिए भी आप क्या करोगे, कुछ नहीं, पी पॉइंट पर ज़ूम कर लीजिए, सरफेस पे ज़ूम कर लो और यहाँ पर वही गाउसियन सरफेस ज़ूम कर लिए हमने, स्फेरिकल गाउसियन सरफेस, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आपका एरिया वेक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ऑफ स्फीयर, तो यहाँ पर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर गोले की सतह पर, इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए वही सेम EDA cos थीटा और q upon epsilon नॉट, क्योंकि चार्ज तो पूरे काउंट होंगे ना सरफेस के लिए, तो q रहेगा टोटल चार्ज, तो ठीक है इस पर टोटल चार्ज कितना है q है, ये आपको पता है, पहले ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है। वही cos 0 का मान कितना, क्योंकि एंगल देखो 0 हो जाएगा, तो cos 0 का मान होता है 1, तो यहां पर आ जाएगा e इंटीग्रेशन dA q upon epsilon नॉट। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो हमारे पास आ जाएगा E इंटू ए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको और सॉल्व करेंगे तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको आगे देखेंगे तो देखिए 4 पाई ऐसे नीचे जाएगा, तो E इक्वल टू 1 अपॉन, देखो क्यू तो एंटिटीज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है के, पता है E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये आ गया आपका सरफेस पे, ये दूसरी इक्वेशन आ गई आपकी, ठीक है स्टूडेंट। देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और समझ लीजिए एक बारी, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सेम जो पहले वाला प्रोसेस है वही है, लेकिन इस बार हमने पॉइंट कहाँ कंसीडर किया है, सरफेस पे कंसीडर किया है, बस इतना आपको समझना है, ठीक है, हो गया इतना सा आपका। नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल और वही इंपॉर्टेंट है, देखिए उसको, आप नोट करते रहना साथ ही साथ ताकि आपको इजी रहे, क्योंकि अगला वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इनसाइड ऑफ स्फीयर, तो यहां आर लेस देन आर होगा गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र, ठीक है गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र। अब देखिए इसके लिए हम क्या कंसिडर करते हैं, हमने कंसिडर किया कि पी पॉइंट मान लीजिए यहां पर है अंदर, तो वही हमारी सबसे पहली स्टेप क्या है, गाउसियन सरफेस, और इसकी रेडियस क्या होगी इस स्फेरिकल गाउसियन सरफेस की, स्मॉल आर, इतनी सी, ठीक है ना, जितना स्फीयर बड़ा उसी की रेडियस। अब देखिए स्टूडेंट, कैपिटल आर के, जो कैपिटल आर रेडियस का स्फीयर है उसके अंदर चार्ज है क्यू, और जो स्मॉल आर रेडियस का स्फीयर है उसके अंदर हम कंसिडर कर लेते हैं कि इसके अंदर जो चार्ज है वो है क्यू डेज, और टोटल के अंदर कितना था क्यू, ठीक है कंसिडर किया है ये हमें ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ये हमने पढ़ा था पहले स्टार्टिंग में, तो बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व। देखिए इस स्फीयर का कैपिटल आर रेडियस वाले का जो बड़ा आर है उसकी त्रिज्या के घनत्व क्या होगा, आयतन घनत्व क्या होगा, देखिए
इसको हम लिखते हैं किससे, रो से, और क्या होता था, क्यू अपॉन बी, ये हमने पढ़ा था, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये हमारा हो गया रो बराबर क्यू अपॉन बी, ठीक है। कैपिटल की बात करेंगे अपन, लेकिन हमारे को देखिए जो स्मॉल आर रेडियस का स्पेयर है ना, उसके अंदर चार्ज कितना है वो हमें नहीं पता नहीं है। तो हमने माना है क्यूडीएस, तो हमने कंसिडर किया, लेकिन एक्चुअल में है कितना वो हमें नहीं पता, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए देख लेते हैं वो क्या होगा, चार्ज इन स्मॉल आर रेडियस स्पेयर, यानी कि आर त्रिज्या के गोले में आवेश, और वो हमने माना क्यूडेस। तो क्यूडेस की वैल्यू क्या होगी, रो इंटू वी डेस, क्योंकि इस स्मॉल आर का, इस स्मॉल आर का जो वॉल्यूम होगा वो भी न्यू होगा कुछ, बट इस पूरे का वॉल्यूम अलग होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, अलग होगा। तो ये हमारा बन गया यहां पर। अब देखिए यहां पर QDS की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से देखो रो की वैल्यू क्या, ये Q upon V into VDS, ये आपको ध्यान में रखना है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों निकाला है, ये भी कहां पता चलेगा आपको, ठीक है। इतना नोट कीजिए, पहले एक बार और समझ लीजिए। देखिए स्टूडेंट, इस कंप्लीट, इस पूरे कैपिटल R त्रिज्या के, जो कैपिटल R त्रिज्या का ये स्पेयर है, इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो बराबर Q upon V, रो इक्वल टू Q upon V। ये जो वॉल्यूम है ये कंप्लीट वॉल्यूम है, और ये जो चार्ज है वो भी इस कंप्लीट वॉल्यूम का चार्ज है, ठीक है। अब हमें जो निकालना है ना चार्ज, जो हमने कंसीडर किया था गाउसियन सरफेस, उसका निकालना है, तो उसका चार्ज तो कुछ डिफरेंट होगा इस क्यू से, तो और वो हमने क्यूडीएस कंसीडर किया है, फॉर्मूला ये रहा रो इंटू वी डेस, वी डेस कौन सा, ये इतना सा जो हमने कंसीडर किया था स्मॉल आर डेस वाला उसका, तो रो की वैल्यू यहां से यहां पुट कर दी, ये हो गया, मतलब टोटल चार्ज इस स्मॉल से आर स्पेयर, आर रेडियस के स्पेयर में जो है वो क्यू डीएस है। अब ये क्यों किया भी देखिए आप समझेंगे, यहां तक इसको ध्यान रखिए, मैं इसको रफ कर रहा हूं, ये इक्वेशन ध्यान रखिए आपको, बस देखिए अब इसको समझते हैं। देखिए गाउसियन बाय गाउसियन इक्वेशन, गाउस की इक्वेशन देखेंगे तो बाय इक्वेशन देखिए कौन सी है, ई डी ए कॉस थीटा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा यहां पर जो क्यू होता है हम अंदर निकाल रहे, तो इस स्पेयर की बात करेंगे तो यहां पर क्यू की जगह क्या जाएगा, क्यू डेज। अब समझ में आ गया ये क्यू डेज यहां आ गया, इसलिए मैंने ये फाइंड आउट किया था, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब देखते हैं, वही यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल तो अगेन जीरो जाएगा, तो ई डी ए क्यू डी एस की वैल्यू क्या है, क्यू वी डेस अपॉन वी एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो ये क्यू वी डी एस तो ऊपर आ गया और वी बी नीचे और एप्सिलॉन एज इट इज, ठीक है, क्लियर स्टूडेंट। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ यहाँ से। अब देखिए ई इंटू ये तो एज इट इज क्यू वीडेस अपॉन वी एप्सिलॉन नॉट, ये वीडेस और वी अलग अलग वॉल्यूम में ध्यान रखिए स्टूडेंट। देखिए ई इंटू ए फोर पाई स्मॉल आर स्क्वायर, अब देखते हैं क्यों तो क्यों ही रहेगा, जिट इज कंप्लीट चार्ज है, कुल आवेश है, वीडेस वीडेस कौन सा, ये स्मॉल रो वाला स्पेयर का वॉल्यूम है ना, तो फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब स्मॉल आर आएगा इसका ध्यान ना, अपॉन वी फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब कैपिटल आर आएगा यहां पर, क्यों, ये जो वी है ये कंप्लीट का वॉल्यूम है और एप्सिलॉन नॉट तो एज इट इज फोर बाई थ्री पाई से फोर बाई थ्री पाई कैंसिल, ठीक है। ये जो आर स्क्वायर है आपका यहां से एक दो आर कैंसिल हो जाएंगे यहां पर, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू क्या बच गया, देखो यहां पर क्यू और यहां पर बच गया एक आर, अपॉन यहाँ पे आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट है, तो एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब और ये फोर पाई नीचे आ गया, ठीक है ना। यहां से इक्वेशन क्या बन गई है, देखिए E इज इक्वल टू, देखिए ये क्या बन गया, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये बन गया के क्यू और ये
आर एच डीज अपॉन आर क्यू, यह आपका आ गया इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, के क्यू आर अपॉन आर क्यू, यह आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, एज इट इज क्वेश्चन रहता है इसके ऊपर कंप्लीट 3 और 4 मार्क्स का, ध्यान रखिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ज्यादातर यही पूछता है आपसे, मोस्टली यही क्वेश्चन होता है एग्जाम में, ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने, और ये आपकी थर्ड इक्वेशन। अब देखिए स्टूडेंट, हमें समझना क्या है, हमने नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्पेयर लिया और हमने डिस्टेंस वाइज क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, तो स्टूडेंट डिस्टेंस वाइज इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से वेरी करती है वो हम ग्राफ की हेल्प से समझेंगे, कर्व की हेल्प से, तो देख लीजिए इसको, ग्राफ कर रहा हूं मैं, देखिए देखिए स्टूडेंट, जो हमारी अंदर आई थी वो ये थी, और हमारी सरफेस पे क्या आया था, दूसरी क्वेश्चन आई थी वो ई एस इक्वल टू आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, की दूसरी क्वेश्चन थी हमारी, और जो फर्स्ट इक्वेशन थी आउटसाइड पे वो ये ई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ये थी, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले अंदर की बात करेंगे, तो देखिए यहां पर ग्राफ बनाते हैं, ये आर इक्वल टू जीरो और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए स्टूडेंट, ये आर इक्वल टू जीरो है, मतलब आर इक्वल टू जीरो यहां होगा बिल्कुल अंदर सेंटर पर, आर इक्वल टू आर का स्पेयर की सरफेस यहां पर, और आर ग्रेटर देन आर, जैसे हम इधर जाएंगे तो हम घोड़े से बाहर, इन स्पेयर से बाहर जाते जाएंगे, तो ये वो वाली डिस्टेंस है। तो सबसे पहले अंदर का कहाँ है, ये रहा, आर पे किस तरह डिपेंड है, देखिए यहां पर अगर इस आर की वैल्यू बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ेगी, फिक्स है ना, क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट है तीनों टाइम, ये तो फिक्स है, लेकिन अगर हम जैसे जैसे इस स्पेयर से दूर जाते जाएंगे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, ठीक है, और कहां पर होगा देखिए समझिए, मतलब यहां से जैसे मैं बाहर जाऊंगा, डिस्टेंस बढ़ाऊंगा सरफेस तक, यहां तक, तब तक जैसे जैसे मेरा आर बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा ई भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा, ये पॉइंट ले लीजिए, कहने का मतलब क्या हो गया आपका स्टूडेंट, कि जैसे देखिए मैं आर की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे मेरा आर इधर बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा ई भी बढ़ रहा है, ठीक है। और सरफेस पे देखिए, यहां पर जैसे आएंगे तो यहां पर आते ही ये वैल्यू फिक्स हो जाएगी, क्योंकि के क्यू आर, आर रेडियस है के और ऑलमोस्ट ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है और क्यू तो वैसे ही फिक्स है, तो इसकी वैल्यू यहां आते ही फिक्स, और वो क्या हो गई के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब लास्ट बच गया फाइनल, देखिए क्या है, जैसे हम बाहर जाएंगे तो जैसे बाहर जाएंगे इस गोले से बाहर जाएंगे स्टूडेंट, तो आर बढ़ने पर ई का मान क्या होगा, घटेगा, हमारा ग्राफ कैसे जाएगा इस तरह से, ये हमारा ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से वेरी करेगा, यहां पर प्रोपोर्शनल चलेगा, यहां पर फिक्स हो गया, यहां पर क्या होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का इनवर्स रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हमारा कर्व है। एक बार फिर से देख लीजिए भाई स्टूडेंट, यहां सेंटर से सरफेस तक अंदर की बात हो रही है और अंदर का ये रहा, तो देखिए आर डिस्टेंस की तरह किस तरह वेरी कर रहा है, कि हमारी R बढ़ेगा ना तो हमारा E भी बढ़ेगा, तो देखिए R बढ़ा तो E भी बढ़ा, यहां तक यहां पे आके सरफेस पे आते फिक्स हो गया, और जिस सरफेस से बाहर जाएंगे तो डिस्टेंस के साथ E का मान घटता जाएगा, देखिए कर्व बता रहा है घट रहा है, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर या नॉन या इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर, ठीक है, देख लीजिए ढंग से एक बारी,